नमस्कार दोस्तों, मैं प्रभात तिवारी स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल प्रभात तिवारी स्टडी आईक्यू पे। दोस्तों, आप लोग बहुत ज़्यादा कमेंट्स कर रहे थे कि टीजीटी भर्ती 2021 पर कोर्ट पर अपडेट पर एक वीडियो बना दीजिए। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूं आज यहां पर कोर्ट में सुनवाई होने वाली है और आप लोग प्लीज़ यार थोड़ा सा सब्र रखिएगा। जब फाइनल सुनवाई हो जाती है, जब वहाँ से दोस्तों कुछ मुझे जानकारी मिलेगी तब अगला वीडियो बनाऊँगा। तो आप लोग थोड़ा सा कोऑपरेट करिएगा, मैं आपको सूचित करता रहूँगा दोस्तों पल पल की अपडेट कोर्ट में क्या हो रहा है। तो सारी जानकारी दोस्तों आज कोर्ट में क्या हो सकता है दोस्तों, और थोड़ी देर में हमारी कोर्ट में दोस्तों सुनवाई होने वाली है जो टीजीटी भर्ती 2021 का मामला चल रहा है, उस टॉपिक के बारे में दोस्तों डिस्कस करेंगे। जो लोग चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को दबा देना जिससे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक समय समय तक पहुँचता रहे। और UPSI वाले अगर बच्चे देख रहे हैं तो UPSI वाले जो थे उनकी कोर्ट की दोस्तों कल सुनवाई थी और उनको अगली डेट मिल गई है 21 सितंबर को। 21 सितंबर को हमारी दो सुनवाई होने वाली है, एक वीडियो भर्ती 2018 की और UPSI भर्ती 2021 की। तो उसके बारे में अलग से एक वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा। अभी दोस्तों जो हमारी बात है TGT PGT भर्ती 2021 से संबंध में, ठीक है। आज दोस्तों कोर्ट का ऐतिहासिक फैसले का दिन है क्योंकि सभी को पता है कि TGT के भर्ती का जो परिणाम है ये 10 से 15 दिन के अंदर घोषित होने वाला है। और जो आज यहाँ पर मुख्य तौर पर जो याचिकाकर्ता है उनका यही उद्देश्य रहेगा कि TGT भर्ती 2021 का जो रिजल्ट दोस्तों जारी किया जा रहा है इस पर पहले स्टे लेने के लिए, ठीक है। ये दोस्तों स्टे होना भी चाहिए, अगर इस भर्ती का प्रॉपर तरीके से आप इंक्वायरीज कर रहे हैं, आप एविडेंस कलेक्ट कर रहे हैं तो पहले तो रिजल्ट पर रोक कर लगाइए, नहीं तो रिजल्ट आ जाएगा तो जिनका सिलेक्शन हो जाएगा वो तो कहेंगे नहीं नहीं धांधलेबाजी नहीं हुई है, जिन बच्चों का सिलेक्शन नहीं होगा वो बोलेंगे धांधलेबाजी हुई है। तो पहले एक कमेटी बनाकर इस पर पूरी तरीके से जांच किया जाए और उसके बाद यहाँ पर रिजल्ट अपडेट किया जाए। दोस्तों थोड़ा सा आपका रिजल्ट डिले हो सकता है क्योंकि कोर्ट के कारण, अगर यहाँ पर कोर्ट आज यहाँ पर जजमेंट सुना देता है तो दोस्तों आपका रिजल्ट जारी हो जाएगा या फिर दोस्तों आपकी परीक्षा निरस्त होगी। बहरहाल आज दोस्तों सबसे बड़ा परिणाम, आज ऐतिहासिक फैसले का दिन है, क्या दोस्तों फैसला आता है या फिर दोस्तों अगली डेट पड़ती है या फिर आपके रिजल्ट पर स्टे लगता है, देखना होगा। और सबसे बड़ी बात दोस्तों, आज चयन बोर्ड के चेयरमैन को तलब किया गया है, चयन बोर्ड के जो चेयरमैन हैं उनसे पूछा जाएगा कि जिस तरह से भर्ती पर धांधलेबाजी के आरोप लगे रहे हैं, खासकर अंबेडकर नगर में जिस तरह से सेंटर सीज हुआ था और वहाँ पर दोस्तों बहुत ज़्यादा परीक्षार्थी नाराज थे, 600 अभ्यर्थियों ने परीक्षा को छोड़ा था और DM साहब जिस तरह से वहाँ पर आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस किए थे उससे दोस्तों साफ जाहिर हो रहा था कि वहाँ पर धांधलेबाजी हुई थी, ठीक है। कई सेंटर थे, इलाहाबाद में भी थे, प्रयागराज जिसको बोलते हैं आप, वाराणसी थे और लखनऊ में भी कई सेंटर पर ऐसे धांधलेबाजी के आरोप लगे हैं। तो पूरी दोस्तों चयन बोर्ड यहाँ पर आज बताएगा कि क्या धांधलेबाजी हुई है या इस पर क्या कदम उठा रहा है। बहरहाल जो भी दोस्तों होगा कोर्ट से अपडेट मैं आपको सबसे पहले दूंगा। तो जो लोग चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और आप लोग पैनिक मत होइए, जो भी होगा दोस्तों आपको खबर मिल जाएगी। मैं कोर्ट से दोस्तों डायरेक्ट आपको लाइव बता दूंगा क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अभी के लिए दोस्तों आज कोर्ट में सुनवाई है और दोस्तों आज क्या होगा, रिजल्ट पर दोस्तों स्टे लग सकता है या फिर भर्ती परिणाम दोस्तों